बाबा बहुत ही मिलता है। तो बताइए कि तो आप कैसे कह सकते हैं यहाँ पर इच्छा पूर्ण होती है, बताइए। हमारी तो हुई है, देखो बताइए क्या इच्छा पूर्ण हुई आप? देखो मैंने अपनी बेटी को 2-3 शादी कर दी, ठीक है, वो बाजू मेरे पे। तो दोस्तों अब हम आपको लेकर चल रहे हैं नागे बाबा के मंदिर में। नागे बाबा तो चलिए अब आप अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं नागे बाबा के। तो देख सकते हैं लोग राज में का ही टाइम था, ठीक है, जब नागे बाबा या बावरिया लड़ते आए थे या चोर का हारते सुनी हो, ठीक है, बता रहे हैं हम तो। ये फिर लड़ते सपीदो चले गए और ये फिर नागे बाबा ने गोली दीगार की बना का चलाओ जब ये लड़े थे। अच्छा दोस्तों अब मैं आपको उस पवित्र जगह पर लेकर आ गया हूँ जो कि नागे बाबा इस्माइल जोगी का, ये आप देख सकते हैं ये मेन धोने का स्थान है और यहाँ पर पहले जंगल हुआ करता था और नागे बाबा का केवल धोना यहाँ पर लगता था, लेकिन अब ये मंदिर में इस तरह से तब्दील हो गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये धोने के पास में नागे बाबा जी का मेन स्थान है, तो यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये वही नागे बाबा हैं जो कि इन 5 बावरियों के गुरु थे और इन्हीं की एक शक्ति थी और ये काफ़ी बड़े शिव भक्त भी थे, तो इन्होंने अपने तपोबल की शक्ति से ही जब इन 5 बावरियों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए थे तो जोड़ के किनारे की मिट्टी की गोलियों को बारूद में तब्दील कर दिया था। तो ये वही नागे बाबा हैं और ये शिव शंकर के काफ़ी बड़े भक्त हुए हैं, तो इन्हीं की एक शक्ति थी जिसके कारण ये 5 बावरिया लाखों की मुगल सेना पर भारी पड़ गए थे और इन्हीं के कहने पर इन्होंने अपने शीश उतार दिए थे। तो दोस्तों ये पूरी स्टोरी थी, ये पूरा इतिहास था, तो मैंने आपको पूरा बता दिया है और आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। रोनी से आए हम, ठीक है, तो कितने दिन से आ रहे हैं, किस तरह की शांति यहाँ पर मिलती है? बहुत अच्छी शांति मिलती है हमारे को। तो अभी आप फैमिली के साथ में आए हैं? फैमिली के साथ आए हैं। तो देख सकते हैं ये पूरी फैमिली के साथ में आए हैं, बताइए यहाँ पर किस तरह की इच्छाएं पूर्ण होती है, बताते बहुत हमारी इच्छा, हमारे बाबा बहुत इच्छा मिलता है। तो बताइए किस तरह, मतलब आप कैसे कह सकते हैं यहाँ पर इच्छा पूर्ण होती है, बताइए। हमारी तो हुई है, देखो बताइए क्या इच्छा पूर्ण हुई आप? देखो मैंने अपनी बेटी को 2-3 शादी कर दी, ठीक है, वो बाजू मेरे पे, ठीक है, अब मेरा कुल्ला काम हो रहा, कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये काफी सालों से आ रहे हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर बाबा की महर है जिसकी वजह से यहाँ पर इच्छा पूर्ण हो जाती है, इनके बगैर मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेन स्थान जो है, मतलब ये नागे बाबा का है और ये पेड़ जो है इसी के नीचे वो तपस्या करते थे, इसी के नीचे तपस्या करते थे, यही वो पेड़ है यहाँ पर सबसे पुराना। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यही वो पेड़ है जिसके नीचे मतलब नागे बाबा की लगातार जो है शिव भक्ति चलती रहती थी और इन्हीं, सुनो मैं अपने मुर्गियों को लेकर आऊँ तपस्या करने के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ये बच्चा ये मैं अपने मुर्गे को भी करूंगा, ठीक है, मेरी संतमना पार होती है, ठीक है। मैं तो बाबा यहाँ पर किस तरह के मतलब चढ़ावे किस तरह से आना होता है बताइए? हम तुम्हारे बेचारे बाबा का 5 लड्डू चढ़ाते हैं, 5 लड्डू चढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये किन की समाधि है भाई साहब, किन की समाधि है? तो दोस्तों अभी मैं आपको लेकर जा रहा हूँ श्री 1008 सिद्ध शिरोमणि योगी बाबा महंत कालेनाथ जी महाराज। तो ये सिद्ध योगी बाबा कालेनाथ जी है, महंत 108 संत शिरोमणि महंत।
तो आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबा जी का हुक्का जो है, काफी बड़ा हुक्का आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। महंत काले, महंत शिरोमणि काले बाबा जी का आप यहाँ पर दर्शन जो है कर सकते हैं। काफी भव्य है यहाँ पर। तो ये महंत काले जी की समाधि स्थल है, तो आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले यहाँ पर ढाका जंगल हुआ करता था, लेकिन अब यह ढाका जंगल काफी बड़े मंदिर में तब्दील हो गया है। और ये आप पेड़ देख सकते हैं, ये नागे बाबा इसी पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान शंकर की भक्ति में लीन रहते थे और काफी बड़े शिव भक्त हुए हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ, आप देख सकते हैं नागे बाबा जी का यहाँ स्थान है। तो यहाँ पर इनका हुक्का वगैरह भी आप देख सकते हैं, और ये इनके मेन यहाँ पर फोटो भी मौजूद है। तो आप दर्शन कर सकते हैं। और ये वही नागे बाबा है जो कि पांच बावरियों के गुरु थे, और इन्हीं का एक तरह से हाथ था जिसके कारण वे लाखों की मुगल सेना पर भारी पड़ गए थे। और ये वही नागे बाबा है जो कि भगवान शंकर के काफ़ी बड़े शिव भक्त हुए हैं। और यहाँ पर ढाका जंगल हुआ करता था, यहीं पर इनकी लगातार भक्ति चलती रहती थी। भगवान शंकर का जब आदेश हुआ था, तो इन्हीं के आशीर्वाद पर ही माता कपूरी को पाँच पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जो कि बावरियों के नाम से विख्यात हुए थे। तो आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं और मत्था टेक सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको नागे बाबा के मंदिर के पूरे दर्शन अच्छे से करा दिए हैं, और इसका इतिहास भी आपको अच्छे से बता दिया है। तो यह वीडियो आपको किस तरह की लगी, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तो जय हो नागे बाबा महाराज की, जय हो सब्बल सिंह बावरी की, हर हर महादेव, हर हर।